हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉरल साइंस में चैप्टर 5 विच इज़ राइज अबव योर फियर, यानी कि आपका जो भी डर है उससे आप और ऊपर उठिए और अपने डर से आप डरना बंद करिए। ठीक है, चलिए। ऑन अ विंडी डे, विंडी क्या होता है, विंडी मतलब जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ऑल द काइट्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, सारी काइट्स हवा में उड़ रही थी। अ लिटिल काइट, एक छोटी सी काइट, सैट अलोन, अकेले बैठी थी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ज़मीन पर। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने में डर लग रहा था। अफ्रेड माने डर। तो क्या कहती छोटी वाली काइट, आई कैन नेवर फ्लाई, मैं कभी नहीं उड़ पाऊँगा। इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई आई विल फॉल डाउन, मैंने अगर कोशिश करी तो भी मैं गिर जाऊंगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। अ बिग काइट सॉ हिम इन अ सैड मूड, एक बड़ी वाली काइट ने उसको देखा कि बड़ा दुखी दुखी है ये। ही केम नियर बाय एंड सेड, वो उसके पास आके उसने बोला, नो यू विल नॉट, नहीं गिरोगे तुम। आई विल शो यू हाउ टू फ्लाई, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे उड़ना है। कम लिटल काइट होल्ड ऑन टू माई टेल, तो कहते मेरी टेल पकड़ो और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे उड़ना है। बट आई विल फॉल डाउन इफ आई डू इट, पर छोटी वाली काइट को फिर भी डर लग रहा था। उसने कहा कि नहीं मैं गिर जाऊँगा। बिग काइट सेड यू विल नॉट फॉल डाउन माई डियर लिटिल काइट, उसने कहा नहीं गिरोगे, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू अप विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। तो छोटी काइट को विश्वास हुआ, उसने कहा इफ़ यू से सो आई एम रेडी टू गो अप विद यू, अगर आप ऐसा कह रहे कि आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। द लिटिल काइट हेल्ड ऑन टू द बिग काइट्स टेल, छोटी वाली काइट ने बड़ी वाली काइट की टेल पकड़ी, ये टेल है ना इसकी। द विंड टुक देम हायर एंड हायर, हवा की वजह से वो और ऊंचे चले गए। द लिटिल काइट वॉज हैप्पी एंड वॉज एंजॉइंग फ्लाइंग इन द एयर, अब ये छोटी वाली काइट थी इसको बड़ा मज़ा आने लगा क्योंकि उसका डर निकल गया। सडनली द बिग काइट डाइव्ड, और एकदम से जो बिग काइट थी उसने उसको वहीं छोड़ दिया और उसने नीचे डाइव मार दी, यानी कि नीचे आ गई। द लिटिल काइट हैड टू लीव हिम, अब ऐसे में क्या हुआ कि छोटी वाली काइट ने उसको छोड़ दिया। टू हिज सरप्राइज ही डिड नॉट फॉल डाउन, और उसको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मैं तो नहीं गिरा नीचे। तो बड़ी काइट ने उससे क्या कहा, यू आर ब्रेव डियर लिटिल काइट, तुम तो बहुत बहादुर हो। और छोटी वाली काइट जो था वो भी बड़ा खुश हुआ, आहा आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रहा हूँ, आई नो आई कैन, तो मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा, आई एम नॉट अफ्रेड एनी मोर, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि उसको लगा कि वो कर सकता है। दिस स्टोरी टेल्स अस, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ऑल ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ समथिंग और दी अदर, हम सभी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। सम फ्रॉम एग्जाम्स, कुछ लोगों को एग्जाम से डर लगता है। सम फ्रॉम बीइंग इन द डार्क, किसी किसी को अंधेरे में बैठने से डर लगता है। सम आर अफ्रेड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कुछ लोगों को नई चीज़ सीखने में डर लगता है, लाइक स्विमिंग, एंड सम फ्रॉम स्टडीज इवन, और कुछ लोगों को, किसी को हो सकता है स्विमिंग से डर लगे सीखने से, किसी को तो क्या पता पढ़ाई से भी डर लगता हो, पर किसी को भी किसी चीज़ से, सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या अपने डर को ओवरकम करना चाहिए, अपने डर से आगे निकलना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी ब्रेव एंड स्ट्रांग नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है, सिर्फ फिजिकली यानी कि सिर्फ बॉडी से नहीं, मेंटली अपने दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग करना है कि हम किसी चीज़ से नहीं डरते, एंड इमोशनली अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना है। ओनली देन, सिर्फ तभी वी कैन लर्न समथिंग न्यू लाइक द लिटिल काइट, तभी हम छोटी लिटिल काइट की तरह हम कुछ नया सीख सकते हैं। विक्ट्री और डिफीट लाइज इन आवर माइंड, जीतेंगे या हारेंगे सब हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है, अगर हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। It is very important to have confidence in ourselves if we want to succeed in our life. बहुत important है अपने ऊपर confidence रखना, भरोसा रखना। ठीक है, चलिए अब हम इसके exercises कर लेते हैं।
Why was the little kite sad? The little kite was sad because he was afraid to fly high. ठीक है, ऊंचा नहीं उड़ सकता था इसलिए उसको डर लग रहा था. What was the promise of the big kite to small kite? Big kite ने क्या promise किया? The big kite promised the small kite that he will hold his hand and take him high in the sky. How was the little kite feeling after flying? The little kite was very happy after flying. ठीक है ना, खुश था कि नहीं था? बिल्कुल था. Why should we have confidence in ourselves? We should have confidence in ourselves to succeed in life. अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. और देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है. ourselves तक तो यहीं पे आंसर हो गया, बस टू सक्सीड इन लाइफ इतना हमें अपने आप लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट. What lesson has been taught in the story? The lesson teaches us to overcome our fears. क्या सीखते हैं? कि हमें अपने डर के आगे बढ़ना चाहिए. Next is fill in the blanks. Little kite was afraid to dash, fly. The little kite was enjoying flying in high in the sky. The cat, big kite, dived. We should be brave and strong. Victory or defeat lies in our mind. Next is color the saying. ये आप color करेंगे, ठीक है ना? इसको पूरा color करेंगे, अपनी copy में ऐसे मोटा मोटा लिख लेंगे double line में और इसको बढ़िया से color करेंगे. ठीक, चलिए next देखते हैं. Tick या cross. Never doubt yourself. ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है. अपने ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए, विश्वास कर रखना चाहिए कि हम जो चाहें हम कर सकते हैं. करेज हेल्प्स अस टू ओवरकम फियर. करेज हेल्प अस, हमारी जो हिम्मत है वही हमें हेल्प करेगी हमारे डर से जीतने में. करेक्ट. ऑलवेज फेस फियर विद करेज. फियर का सामना हमेशा हिम्मत से होता है. Never think you will not be able to do anything. कभी ऐसा सोचना चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ. Always say I can, I will. हमेशा ये कहिए कि I can, I will, I can, I will. तो ये सब बातें सही हैं. Next is Name five new things that you are scared of trying. क्या क्या ऐसा है जिसे हम डरते हैं? मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, आपके दिमाग में कुछ और आए तो आप वो भी लिख सकते हो. जैसे jumping down the tree, jumping in the river, going to the terrace at night, staying alone at home, riding a cycle without supporters. तो ये हो सकता है आपके डर हों, हो सकता है आपके डर कुछ और हों. ठीक है, आप उनको भी नोट कर सकते हैं. चलिए, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. इसको कंप्लीट करके अपना वर्क सेंड कीजिए ताकि हम चेक कर सकें. ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.